हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर आपका दोस्त, आपका साथी, आपका टीचर आपके साथ एक बहुत प्यारे सिंपल से क्वेश्चन के साथ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है लेकिन थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ पे यूज हुआ है। मोल कॉन्सेप्ट हल्का सा यूज हुआ है। परसेंटेज ऑफ वेट बताना है आपको। देखो यही तो बात है कि एडवांस के मैंने आपको बार बार बताया है, हर हर एक क्वेश्चन साथ बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कि आपका जो है ऑर्गेनिक के साथ साथ भी जो है फिजिकल केमिस्ट्री कैसे यूज होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो बेटा, एडवांस 2022 का क्वेश्चन है और सब कुछ दिया हुआ है कि एटॉमिक मास का टेंशन नहीं लेना है, कि क्या यूज करना है क्या नहीं करना, सर कि याद करना है नहीं याद करना, सब कुछ दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो यहाँ पे एक चीज है कि द वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। यहाँ पे द वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है इन क्यू, जो क्यू यहाँ जो बनने वाला है ना, उसमें कितना वेट परसेंट ऑफ हाइड्रोजन है फॉर्म इन द लिखा हुआ है कि फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, ठीक है। आपका यहाँ पे दिया है क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है। पहले आपको NaNH6 23 300 ATM, सिंपल सा बहुत प्यारा सा रिएक्शन है ये, कि आप जानते हो NaR का रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन है ये, जो कि आप जानते हो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बहुत कम होता है। तो NCERT का जो है, NCERT का सिंपल सा दोनों रिएक्शन, बहुत सिंपल से रिएक्शन NCERT के दिए हुए हैं। तो पहले आपको NaMH सबको पता है ये क्या होने वाला है ना। फिर बोला है कि कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना है, फिर देन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालना है। तो ये जो जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल NCERT का क्वेश्चन। देखो मैंने बोला ना, NCERT का ही पार्ट एडवांस उठाता है, NCERT का ही पार्ट है बेटा। NCERT के पार्ट को ही उठा के जो है किस तरह से क्वेश्चन बना रहा है यहाँ पे, तो बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है बड़ा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पहला क्या है रिएक्शन, पहला NaR रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो कि सिंपली जो है आप जानते हो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक होता नहीं है। इसीलिए देखो यहाँ पर जो NaR से रिएक्शन हो रहा है वो हाई टेम्परेचर पे हो रहा है और हाई प्रेशर पे हो रहा है, 300 ATM, वेरी हाई प्रेशर है ना, बहुत हाई प्रेशर पे हो रहा है, बहुत हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, तभी जाके पॉसिबल है। क्योंकि ये भी आपका इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट होता है, आपका न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसलिए जो है रिपल्सन होने वजह से रिएक्शन जल्दी होता नहीं है, इसलिए आपका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई रखना पड़ रहा है यहाँ पर। फिर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना, जो कि NCERT का ही रिएक्शन लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनने वाला, देखो आपके पास यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है बेटा। क्लोरोबेंजीन में जब आप फर्स्ट रिएक्शन करोगे NaH के साथ रिएक्शन करोगे, NaH साथ यहाँ पे हीट दिया है 623 केल्विन और साथ में 300 ATM दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो आपका सब्स्टिट्यूशन होने के बाद जो बनने वाला है वो बनेगा आपके पास। यहाँ देखो सिंपल सा रिएक्शन है कि यहाँ पर जो है ये बनेगा आपका, यहाँ पर बनेगा आपका O-Na+, ये बनने वाला O-Na+। अगर यहीं पे साथ में आपका जो है एसिड डाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये फिनॉल बन जाएगा। तो अगर यहीं पे पहले क्या बोला है, अब देखो यहाँ पे आपके पास बन गया O-Na+ बन गया, जैसे ही आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाया है ना, तो क्या बन जाएगा ये, जैसे ही आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाया, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा इस टाइम पे, ये आपका बन जाएगा, ये फिनॉल बन जाएगा। ये फिनॉल का फॉर्मेशन है जो कि NCERT में दिया हुआ है। यहाँ पे NaMH इसके बाद आपको बोलता है कि यहाँ पे इसका फर्दर H3O+ मिलाते हो, वो H3O+ और कुछ नहीं है, क्या है, एसिड है, तो वही एसिड यहाँ मिलाने के बाद क्या बन गया, ये फिनॉल बन गया। अब फिनॉल बनने के बाद आप जानते हो OH हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, हाईली प्लस एम है यहाँ पे, तो प्लस एम है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करता है, तो ये ऑब्वियस बात है अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर अगर नाइट्रेशन कराऊ मैं, यहाँ पे कंसंट्रेटेड अगर मैं HNO3 करूंगा, तो आप जानते हो कि यहाँ पे जो रिएक्शन बनता है, एक बहुत फेमस रिएक्शन है, पिक्रिक एसिड फॉर्मेशन होता है, आपके दोनों ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा और पैरा पे भी नाइट्रो आ जाएगा, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाएगा, वो बन जाएगा पिक्रिक एसिड बन जाएगा। अरे आपको पता है ये बात कि OH जो है हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है इसीलिए नाइट्रेशन तीनों पोजिशन को हो जाता है और ये बन जाता है पिक्रिक एसिड बन जाता है, पिक्रिक एसिड बन जाता है बेटा, है ना। तो ये आप जानते हो इसके बारे में, NCERT में फेमस रिएक्शन है, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। तो पूछा है कि बस जो आपका प्रोडक्ट बना हुआ है, जो क्यू बना हुआ है, या आपका क्यू फॉर्मेशन हो गया, जो क्यू बना हुआ है उसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या करोगे आप, पहले यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है, C6 बहुत बढ़िया, 6 कार्बन है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन कितने काउंट करो, हाइड्रोजन कहाँ पे, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन हो गए और एक हाइड्रोजन कहाँ पे, OH के पास है, तो H कितना है, H3 है, वेरी गुड। अब यहाँ पे आ जाओ,
अब एन कितना हो गया, एन एन काउंट करें, एन एक वन है यहाँ, टू ये थ्री हो गया, एन कितना हो गया, थ्री हो गया, एन थ्री हो गया, और ओ कितना है यहाँ पे, टू ओ यहाँ पे, टू टू यहाँ पे कितना हो गया, सेवन ओ हो गया, है ना, सिक्स ओ ये हो गया, सेवन ओ हो गया, ओ सेवन हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसका मोलर मास काउंट करें, कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज अगर आप हाइड्रोजन निकालना चाहते हो, वेट ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई टोटल वेट, टोटल वेट का मतलब क्या हो गया, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल से पार्ट जो आप मोल कॉन्सेंट पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो यहाँ पर देखो आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, काउंट कर लो कितना हाइड्रोजन, थ्री है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका थ्री हो जाएगा। नीचे अगर नीचे की बात करें, क्या आएगा, मोलर मास काउंट करो जल्दी से, यहाँ पे कितना जाएगा, अगर ऐसा मोलर मास काउंट करें हम लोग यहाँ पर, तो कितना जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 6, 12 मल्टीप्लाई बाय 6, और कितना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कितना, 14 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 हो गया नाइट्रोजन का हो गया, प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 7 जो कि आपका ऑक्सीजन का मास हो गया। अगर नेट इसको जोड़ा जाए कितना जाएगा, यहाँ देखो 12 6 का कितना होगा, 72 हो गया, 72 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस 14 3 का कितना हो गया, 42, और यहां पर 16 से बन जा, 16 से बन जा कितना जाएगा, बोलो बोलो 112, मतलब 112, अगर उसको सॉल्व कर दिया कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा मास आपका, आ जाएगा 113, 15 हो गया, ये हो जाएगा 4 2 2 4 6 9 9 हो गया, और यहां से जाएगा 1 और 415 और 5 और 7 कितना हो जाएगा, यहां से हो गया ये 9 हो गया, 415 हो गया, 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12, यहां से 12 हो गया, 2 हो गया, और यहां से एक 1 जो आपका गया यहां पे 112 हो गया, 229 इतना ग्राम आया है, 229 ग्राम, तो यहां से मोलर मास आ गया 229 ग्राम, तो क्या हो गया टोटल वेट कितना हो जाएगा, 229 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आप देखो लगभग कितना आ रहा है, 300 डिवाइड बाई 229, इसको सॉल्व करोगे तो नियरली कितना आएगा, 1.3%, नियरली जो आपका आएगा 1.3 के आसपास आएगा, 1.3% आएगा, अगर आप सॉल्व करोगे तो 1.3% आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1.30% हो जाएगा, तो 1.30 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से बेटा आपका यहाँ पे 1.3% आ रहा है, 1.3%। तो आप देखो यहाँ पर कि क्वेश्चन में कुछ था नहीं, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसमें हल्का सा मोल कॉन्सेप्ट मिला दिया है, वेट परसेंटेज, है ना। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन को चूज करना है, कैसे हम लोग जो है क्वेश्चन को चूज करके उसमें से मार्क्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बहुत प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, बहुत सिंपल सा एडवांस 2022 में आया हुआ है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ जो है, जो कि एनसीईआरटी का यूज करके जो है कैसे परसेंटेज ऑफ वेट का क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।